कटाक्ष किरण चांत नमन मोहाब्धये नमः। अनंतानंद कृष्णाय जगं मंगलमूर्तये न च शोष प्लोष विक्लेद छेदाच्छिन्ना भसो मम। सत्यैरप्यनिरलाङ्नभः शस्त्रैः किमुत कल्पितैः अभारूपस्य विश्वस्य भानं भासन्निधेर्विना कदाचिन्नावकल्पेत भाचाहं तेन सर्वगः। वो साधक अपनी सत्ता को देखता है और ये कहता है कि अहम अस्मि, मैं हूँ। मैं क्या हूँ इस पे उसकी निगाह नहीं है, मुझे अपनी सत्ता स्पष्ट रूप से दिख रही है। जब उसको सत्ता अपनी स्पष्ट रूप से दिखती है तब उसका मुंह से वाक्य निकलता है अहम अस्मि। हम और आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अहम मनुष्योहम नहीं है, अहम साधकः, अहम पुरुषः, अहम स्त्री, अहम सन्यासी, ये ना। वो कहता है नहीं, मेरी जो अनुभूति है वो ये है कि अहम अस्मि, मैं हूँ। मैं हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को जानता नहीं हूँ, बोलता है सदाभामी, मैं अपने आप को जानता भी हूँ। और यही नहीं, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोलता है, कदाचित न अहम अप्रियः, मैं स्वयं को कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ना चाहूँ। तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि ये तो सत चित और आनंद का लक्षण है, अस्मि भामि और प्रिय। अस्मि भामि प्रिय तो सच्चिदानंद है। तो कहता है मैं तो ब्रह्म हूँ, अतोहम कथो कथ न ब्रह्मास्ति। अरे ये कहो, ये बताओ कि मैं ब्रह्म क्यों नहीं हूँ। तो कहना क्या चाहता है, वो मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन वो मनन करता है तो उसके मन में एक और प्रश्न आया है। देखो जी, प्रश्न ये आया कि ब्रह्म का लक्षण तो शास्त्र में कहा गया कि यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे पूरा का पूरा ये जगत पैदा हुआ वो ब्रह्म है, ये विलक्षण है। तो वो कहता है मुझको ये लक्षण तो अपने में दिखता नहीं, मैं जगत का कारण हूं ये कैसे पता करूं। ना मैं जगत का कारण हूं ये लक्षण मुझे अपने में नहीं दिखता है। तो देखो कैसे मदद करते हैं, तीसरा श्लोक क्या मदद करता है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस पर भी अपनी जरा
सूक्ष्मता डालो चित्त पे तो समझ में क्या आएगा, मई उदेती, मिला ना, और मई उदेती नहीं, मई एव उदेती, मेरे से ही निकलता है। मेरे से मतलब क्या, बोले चित व्योमनी, व्योमनी मतलब आकाश, चित मतलब चेतन, मुझ चेतन से ही निकलता है। कौन, बोले जगत, जगत की उत्पत्ति मेरे से ही है। लेकिन एक वाक्य कहके सब फेल कर दिया, बोलते हैं गंधर्व पत्तनम। गंधर्व पत्तनम मतलब गंधर्व नगर के समान है, सच नहीं, लेकिन जो जगत निकला वो तुमसे ही निकला। तो फिर कहता है अतो, अतः मतलब इसलिए, अहम न कथम ब्रह्म, अब कहो कि मैं क्यों नहीं हूं ब्रह्म। मतलब ये भी अनुभूति उसको हो गई कि मैं जगत का कारण हूं, ठीक है। और इसलिए वो कहता है सर्वज्ञम, जो ब्रह्म का लक्षण है वो सर्वज्ञ कहा गया, और इसीलिए कहता है सर्व कारणम, ब्रह्म ही सबका कारण है, इसलिए मैं सबका कारण हूं, क्योंकि जगत का कारण मैं हूं। तो सीधी सरल बात यह है कि ये समझने की जरूरत है कि जगत का कारण मैं हूं। दूसरी बात, जगत गंधर्व रूप है, साथ में ये भी समझना है, माना ना, मैं जगत का कारण हूं और जगत गंधर्व रूप है। कल इस बात पे चर्चा मैंने आपसे की कि जगत का जो ज्ञान है, जगत का अस्तित्व जो है, वो टिका किस पे है, वृत्ति पर नहीं है। अगर वृत्ति उस चीज की न बने तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये वस्तु है। ध्यान से समझना जरा। अरे आदमी के सामने पहाड़ होता है, उसको पहाड़ नजर नहीं आता, मैं आपको बताऊं, उसके लिए पहाड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहाड़ाकार वृत्ति नहीं बनी। अरे आदमी कहता है आपने देखा कितना सुंदर पहाड़ है वहां पे, देखा था? वो कहता है मैंने तो नहीं देखा। अरे देखा तो था, आप भी तो रह रहे थे साथ में। बोले मैं रह रहा था लेकिन मुझे पहाड़ का ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पहाड़ की वृत्ति, मतलब अगर पहाड़ की वृत्ति नहीं बनी तो कम से कम आपके लिए तो पहाड़ नाम की चीज नहीं है। किसी भी चीज के ज्ञान के लिए जरूरी है कि उस विषय के आकार की वृत्ति का निर्माण होवे। बिना वृत्ति के आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये है। ये बात समझ में आती है? नहीं, जब तक वृत्ति न बने ये नहीं कह सकते हैं कि ये वस्तु है। आप देखो ये घड़ी है, कैसे पता लगा? घड़ी की क्या बन गई? वृत्ति बनी। आम है, आम को देखकर आपको क्या पता लगा ये आम है? क्यों? आम को देखकर क्या बनी? मैं बोलू बोंग शुंग शु, अब आपको क्या हुआ? बोंग चुंग शु, अब क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? अभी भी तो मैंने शब्द बोला, पहले भी शब्द बोला था, आम भी एक शब्द था और ओम बोंग चु भी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द की वृत्ति का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए आपकी समझ में कुछ, बोलो जी। अरे यही वेदांत के साथ भी है, जो वेदांत बोला जा रहा है
तद्रूप अगर वृत्ति नहीं बनी जी, जो मैं बोल रहा हूं जो वेदांत है वो नहीं अगर आपकी वृत्ति में बना तो आपको पता है फिर क्या होता है? हाँ, समाधि हो जाती है, नींद आ गई। क्यों? क्योंकि वृत्ति का निर्माण, तो वृत्ति तभी बनी जब आपको शब्द बोला गया और समझ में तब आया जब वो वृत्ति ने क्या किया, एक आकार लिया। जगत टिका है वृत्ति पर, ठीक है, देख के देखना, जिसको बोलते हैं ये सब एक वृत्तिमय है, ठीक है, ऐसा शब्द बोलू ना, जगत वृत्तिमय है। नाउ क्वेश्चन, वृत्ति किसके अंदर? वृत्ति किसके अंदर? बोले अहम के अंदर। देखो जी, तो फिर जगत किसके अंदर? लो जी, निज प्रभु में देखूं जगत, सुना है ना, निज प्रभु में देखूं, पूरा जगत का जगत में अपने प्रभु में देखता हूं, ये भक्ति का भाव। लेकिन पूरा का पूरा जगत अहम में ही है, अहम से ही निकलता है और अहम में ही लीन होता है, क्योंकि वृत्ति का अधिष्ठान मैं हूं तो जगत का भी अधिष्ठान मैं ही हूं। फिर भी साधक को नहीं लगता कि मैं जगत का अधिष्ठान। जब तक मेरी निगाह विशेष की ओर होगी तब तक हम कारण की ओर नहीं पहुंच सकते, ठीक है, ये वाक्य को जरा आप सोचिएगा। जितनी मेरी निगाह विशेषता की ओर होगी उतना मैं कारण से दूर हटूंगा, जितना मैं सामान्य की ओर जाऊंगा उतना मैं कारण के नजदीक पहुंचूंगा। एक ही मिट्टी से घड़ा भी बना है तो कुल्हड़ भी बना, तो दिया भी बना, तो खिलौना भी बना, तो पेंटिंग भी बनी, सब कुछ बना, लेकिन जिसकी निगाह इन कार्यों पर है वो सिर्फ कार्य में अटका रह जाएगा। लेकिन जो ये समझता है कि ये नाना विविध रूप होते हुए भी हाँ सब मिट्टी के बने हैं, वो कारण तक क्या हो गया? देखो, मेरी जो दृष्टि है वो कहां पर है? यदि कार्य पर है तो आप ध्यान रखना आप कारण तक कभी नहीं, क्योंकि विशेष की ओर मेरी निगाह है। तो जरा इसको साधना रूप में देखिएगा कि मेरी निगाह कहां पर है, कारण की ओर की कार्य की ओर? यदि कार्य की ओर है तो समझ लेना आप विशेषता को देख रहे हैं, और कारण की ओर निगाह है तो समझ लेना आप फिर सूक्ष्मता की ओर देख रहे हैं, हो गया ना, सामान्य की ओर देख रहे हैं। अच्छा जी, अब आता है महाराज आपने ये गंधर्व क्यों कह दिया? इससे क्या भाई आप कुछ चिढ़ती जो गंधर्व बोल दिया आपने? जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि जगत आया, और आप सब ना दिमाग से भी निकाल दीजिए कि ब्रह्म चेतन जगत जड़ चेतन छोड़ दें, जगत आया तो कहां से? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन विकल्प क्या है? दो ही हैं विकल्प, या तो जड़ से आया या तो, यही है ना, कोई तीसरा विकल्प है आपके पास में? ही जो भी चीज आई है या तो वो जड़ से आई है या तो वो, ठीक है ना, शुरुआत से ऐसा लेके चले, ये जगत भी या तो जड़ से आया है या तो ये जगत, हाँ जी ठीक है ना, ये चिंतन इतना। अच्छा जी, जगत स्वयं में क्या है?
ये तो बात क्लियर है, जगत स्वयं में जड़। मान लीजिए मैं जड़ से मानूं, पहला ऑप्शन, क्या जड़ से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है? जड़ से जड़ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अब बचा क्या? ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्शन बता, चेतन। अच्छा जी, यदि किसी से किसी की उत्पत्ति होती है तो जिससे उत्पत्ति होती है उसमें विकार तो फिर, बोलो जी, आ गया कि नहीं आ गया? मतलब वो चीज वो नहीं रह गई जो पहले थी। उदाहरण दो दृष्टांत हैं आपके सामने। एक दृष्टांत ये कहता है कि दूध से क्या बन गया? दही। ठीक है ना, दही किससे बना? तो मैंने ये माना कि ये चेतन से जगत बना, हो जाए विकार। अब दूध से यदि दही बन गया तो आपको यदि दूध से मुलाकात करनी है तो आप मरो, क्योंकि अब वो क्या बन गया? अब भक्ति वाले माफ करना, यदि ईश्वर ही ये जगत बन गया, यदि ईश्वर ही ये जगत बन गया तो माय डियर अब जग ईश्वर से मुलाकात तो, क्योंकि ईश्वर अब क्या बन गया है? पकड़िया, अब तो फिर आप कल्प क्षय होने का वेट करो, तो वो जो सीट है भगवान की वो खाली पड़ी है, क्योंकि वो खुद क्या बन गए हैं? तो ईश्वर से मुलाकात जीते जी संभव तो फिर, और हम रहेंगे जगत में, जगत वही बना है, इसका मतलब ईश्वर से मुलाकात कभी नहीं हो सकती। थैंक यू। ये ऑप्शन कब बना है? जब मैंने जगत की उत्पत्ति चेतन से मानी। बोले नहीं नहीं नहीं, दूध से दही की तरीके से नहीं बना, तो किसे बना? बोले बीज से पेड़ की तरीके से बना। आप लो, अच्छा बीज से पेड़ भी मान लो। बोले जैसे बीज में ही वृक्ष छिपा रहता है, वैसे ही ये जगत, हाँ, चेतन में छिपा हुआ था और जब वक्त आया तो उससे प्रकट हो गया। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब बीज में विकार तो हुआ ही हुआ कि नहीं? बीज का विकार है वृक्ष, जो बीज पहले था वो बीज आज 10 साल बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव आ गया। अच्छा जी, यदि चेतन से जगत निकला तो इसका मतलब चेतन में, तो आपको चेतन विकारी मानना पड़ेगा। तीसरा कोई विकल्प है आपके पास में? वो भी छोड़ते हैं, उससे भी बढ़िया आपको देते हैं दवाई। मकड़ी से जाले में बताने का उद्देश्य वहां ये निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी, वो तो और टेक्निकल कर हो जाएगा। यदि मैं मानता हूं कि दूध से दही, तो अब चेतन से मुलाकात हो नहीं सकती। ठीक है, यदि मैं बीज से वृक्ष मानूं तो फिर अब चेतन में तो
तो ये मान लो कि चेतन विकारी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रुति तो ये कहती है कि चेतन तो अब क्या करें, और उत्पत्ति किससे माननी है, जड़ का विकल्प खत्म, उत्पत्ति भी माननी है और विकारी भी, पकड़ में आ रहा है आपको? ये तभी हो सकता है जी, ये तभी हो सकता है जब वो वास्तव में पैदा ही ना हुआ हो। पैदा हुआ सा लगता है, पैदा हुआ नहीं है। आराम से धीरे से पचा के, पैदा हुआ सा लगता है, पैदा नहीं हुआ। बोले महाराज, पैदा हुआ सा लगता है, पैदा नहीं हुआ, आपके पास कुछ है इसके लिए उदाहरण? रात में जो आपने स्वप्न बनाया वो किससे पैदा हुआ? पड़ोसी से? पड़ोसी से? उस स्वप्न जगत का कारण कौन? मैं, ठीक है। उस स्वप्न जगत का कारण कौन? बोले मैं। लेकिन आपको पता है, जागने के बाद पता लगा मैंने कोई भी स्वप्न, आप में कोई बदलाव हो गया? स्वप्न निकाल दिया आपने तो 4 किलो वेट बढ़ गया कि 4 किलो कम हो गया? आज बड़ा स्वप्न बनाया इसलिए 4 किलो कम हो गया, आज छोटा बना तो फिर 2.5 किलो कम हुआ। मैं तो वही का वही रहता हूं, और मैंने बनाया पूरा स्वप्न जगत, देखो इसको गंधर्व पत्तनम नगरी बना दी, नगरी नहीं पूरी जगत बना दिया, मैं वैसे का वैसा ही रहा, क्योंकि मेरे से जगत निकला नहीं था, लगता था कि जगत निकला हुआ है। ये बात समझ में? इसी को ये ध्यान रखना, मर्म यही है। अब वेदांत ने शब्दों की तो जड़ी लगाई, इसी को बोलते हैं अध्यास, इसी को बोलते हैं विवर्त, इसी को बोलते हैं मिथ्या, इसी को बोलते हैं अध्यारोपित, जो मन में चाहे वो शब्द ले लो, ये सब एक ही हैं। अध्यारोप कह लो, मिथ्या कह लो, विवर्त कह लो, झूठा कह लो, जो मन चाहे सो कह लो, लेकिन मर्म यही है, वो निकला नहीं, निकला हुआ सा लगता है। अरे क्यों लगता है? बोले क्यों लगता है? बोले देखो, तुमको स्वप्न लग रहा था कब? कल वाली लाइन याद करो, स्वकाले सत्यवत भाति। देखो बहुत ही सुंदर लाइन है शंकराचार्य, स्वकाले, स्वकाले मतलब स्वयं के काल में सच ही लगता है, स्वप्न अवस्था के समय स्वप्न सच ही लगता है, तो स्वप्न झूठा था ये कब पता लगा? तो जागृत झूठा है, हाँ, तो जागृत में रहकर जागृत को झूठा नहीं कह सकते, पकड़ में आ रहा है? स्वप्न में रहकर स्वप्न को नहीं कह सके तो जागृत में रहकर जागृत को नहीं कह सकते। बोले क्या करें? इससे चौथे में जाओ, वो कौन है? वो मांडू के, वो है तुरी, वो तुरी उस स्थिति में जाकर इस स्थिति को मिथ्या के। साधक कहता है मैं यहीं रहता हूं, मैं यहीं खाता हूं, आप इसी को मिथ्या कहते हैं? उसकी उसकी जो परेशानी है वो सही है, लेकिन उसको ये बताओ कि इससे एक ऊंची सीढ़ी तुम थोड़ा और चढ़ो तब ये मिथ्या दिखेगा, पकड़ में आ रहा है? जब स्वप्न में रहते स्वप्न को मिथ्या नहीं कह सकते, स्वकाले सत्यवत भाती, तो जागृत में रहकर जागृत को मिथ्या कौन कहेगा? उसके लिए कौन सी स्थिति चाहिए? ऐसा ब्राह्मी स्थिति। वाह, देखो
ऐसा ये वो स्थिति है ब्राह्मी स्थिति पार्थ। इस स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये मन स्थिति नहीं है, ये परिस्थिति नहीं है, ये ब्राह्मी स्थिति है। देखो जी बना ना, उस स्थिति से जाकर समझ में आता है कि ये जागृत ये जगत मुझसे बोलो जी निकला हुआ नहीं है। बन गया। इसी को बोलते हैं मिथ्या तभी चीज हो सकती है जब वो वास्तव में ना हो, उसी को मिथ्या कहते हैं। ध्यान देगा, सचमुच में हो जाए तो फिर तो हो गया कल्याण। रज्जू से सर्प, रज्जू कभी सर्प बना नहीं, रज्जू कभी सर्प बना नहीं, लेकिन भासता कैसा है सांप। ये जगत ये कभी ब्रह्म नहीं बना, लेकिन भासता क्या है, अरे ये तो जगत ब्रह्म रूप। ना 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 ना, ये कभी हुआ ही नहीं कि जगत आया किससे, ब्रह्म से। आएगा तो फिर बहुत मानना है तो आप कह दो विवर्त रूप से आया, इससे कहने से तुष्टि मिलती। तो विवर्त रूप मतलब क्या, आया ही नहीं। सच बात तो ये हो गया। तो मैं जगत का कारण हूं ये मत समझना कि पूरी दुनिया का कारण मैं हूं। ना ना ना, कहना क्या चाहता है, जगत नाम की कोई चीज वास्तव में मई ये वो देती चिद व्योमनी। चिद मतलब चेतन, व्योमनी मतलब आकार। ये पूरा का पूरा जगत मेरे से निकला, लेकिन जगत गंधर्व पत्तनम। ये जगत कैसा है पता है, गंधर्व की तरीके से। अतो हम न कथम ब्रह्मा। अरे अब तो मुझे सिद्ध हो गया कि मैं जगत का कारण मैं हूं। सर्वज्ञम सर्व कारणम, मैं ही सर्वज्ञ हूं। जो सबको जाने वो सर्वज्ञ नहीं, ये भक्ति की भाषा। जो सबको जाने, तो सबको जाने में तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो सब है वही ज्ञान है, जो सर्व है वही ज्ञान है, इसको बोलते हैं सर्वज्ञ। सर्वम जानाति नहीं, जो सर्व है वही ज्ञान। आप पढ़ रहे थे ना मांडुक्य में, इसको भी आखिर मैंने बोला ज्ञान रूप है वो, उसको बोल। इसलिए कहता है मैं ही सबका क्या हूं, कारण हूं। अच्छा जी, अब ध्यान रखना ये किस श्लोक की व्याख्या हो रही है। अहम अस्मि, बस इतनी बात है। अहम अस्मि मैं हूं, तो मैं जगत का कारण हूं, मैं जगत का सच्चिदानंद हूं। अच्छा जी, बोले तुम्हारा नाश नहीं हो सकता क्या, अहम का नाश नहीं हो सकता। बोले देखो ये सोचो कि नाश तीन तरीके से होता है। नाश तीन तरीके से होता है। एक तो स्वतः नाश होता है। स्वतः नाश मतलब स्वयं ही क्या कर ले, ठीक है। एक नाश ये हो सकता है कि अन्यतः दूसरा आपके क्या कर ले, आके आपका नाश कर दे अन्यतः। तीसरा नाश ये हो सकता है कि जहां आप खड़े हो वहीं की कारपेट क्या कर ली जाए, खींच ली जाए। आपका जो आश्रय है वही खत्म कर दिया जाए तो आपका भी क्या हो गया। तीन तरीके से नाश हो सकता है, स्वतः, अन्यतः और आश्रय। ठीक है या नहीं, नहीं समझ में ये बात। स्वतः, अन्यतः और आश्रय। बोले मेरा स्वयं का नाश तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो क्या बोलते हैं, ना स्वतः लाए आपको, ना स्वतः, स्वतः नाश नहीं हो। क्यों, प्रत्यभिज्ञानात। देखो
क्योंकि मुझे अपनी स्वयं की प्रतिभिज्ञा होती रहे। मेरा नाश हो गया तो फिर प्रतिभिज्ञा किसको होगी? याद कौन करेगा? पकड़ में आ रहा है? प्रतिभिज्ञा मतलब मैंने कल क्या कहा था आपको, पूर्व की स्मृति प्रत्यक्ष, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिभिज्ञा। अच्छा मैं भ्रम भी बता दूं, आपने उस व्यक्ति को देखा, ठीक है, कहीं देखा, बनारस में देखा, और बनारस में देखा तो आपने देखा कि ये टोपी लगाए घूमता था वहां पर, नीली रंग की टोपी पहनता था, सफेद शर्ट पहनता था, ऐसा ऐसा आपने उसको देख रखा था। अब वही ऐसा व्यक्ति आपको इंदौर में दिख गया तो आपने उसे कहा, अरे, आपने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, वो कहता है क्या बात है? अरे, आपने कहा आई एम सॉरी, क्या हुआ क्या? बोले मुझे लगा कि आप वही हैं। कौन? जो मुझे बनारस में। उस व्यक्ति ने पूछा, आपको ऐसा भ्रम क्यों हुआ कि मैं वही हूं? तो आप क्या बोलेंगे? मुझे पूर्व की क्या आई, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? प्रतिभिज्ञा। इसको क्या बोलेंगे? भ्रम। जब पूर्व की स्मृति कहीं गलत जगह दिखे उसको भ्रम कहते हैं। पूर्व की स्मृति कहीं गलत जगह दिखे उसको भ्रम कहते हैं। पूर्व स्मृति परत्र दृष्ट अवभासः, संस्कृत अखरे था, पूर्व स्मृति परत्र, परत्र मतलब कहीं और, लेकिन वो चीज वहीं दिखे जहां आपने क्या किया था, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिभिज्ञा। जो जिसने कल 14-15 को अद्वैत मकरंद सुना, आपको लगता है मैं वही हूं जिसने मैंने कल सुना था, कैसे पता लगा? पूर्व की स्मृति प्लस प्रत्यक्ष, इसको क्या होता है? प्रतिभिज्ञा। मैं वही हूं। कल मैंने बौद्धों को बताया था ना, बौद्धों के पास यही नहीं था, हो गया। बोले मेरी तो प्रतिभिज्ञा हो रही है तो मेरा तो नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता लगता है कि मैं हूं, तो फिर मेरा नाश कहां से हुआ? यदि प्रतिभिज्ञा ही नहीं होगी तो फिर ठीक है, फिर तो मुझे अपनी प्रतिभिज्ञा होती है। अच्छा, दूसरा तर्क, कोई अन्य मेरा नाश कर नहीं सकता। देखो जी, बहुत ही सुंदर तर्क है, कोई अन्य मेरा नाश कर नहीं सकता। अन्य तभी कोई नाश कर सकता है जब मैं कोई अवयव वाला वस्तु हूं। मैं इस घड़ी को नाश कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि घड़ी अवयव वाली है। मैं घड़े को तोड़ सकता हूं क्योंकि घड़ी आकाश अवयव, लेकिन सॉरी, आकाश आकाश उसको आप तोड़ के दिखाओ। घड़े को तोड़ सकते हैं, घड़ी को तोड़ सकते हैं, मठ को तोड़ सकते हैं, शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन 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 जो चीज निरंश है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। देख रहे क्या? निरंशत्वाचान्यतः, अन्यतः नाश तभी हो सकता है जब वो अवयव वाला हो। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि मैं निरंश हूं क्योंकि मेरा नाश कोई नहीं कर सकता, हो गया। देखना आप, ये सब किसी चीज का नाश तभी होगा जब वो चीज अवयव वाली होवे। अच्छा, मेरे आश्रय के नाश से मेरा भी नाश नहीं हो सकता। देखो जी, ना च आश्रय विनाशान में, आश्रय का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं हो सकता क्योंकि मेरा तो कोई आश्रय ही नहीं। वाह, अनाश्रय,
मैं ही सबका आश्रय हूं, मेरा कोई आश्रय? तीन हेतु दिए, प्रत्यभिज्ञानात्, निरंशत्वात्, हाँ, और तीसरा अनाश्रयत्वात्। क्योंकि मेरा कोई आश्रय नहीं है इसलिए कोई नाश नहीं कर सकता। देखो इसी को आपने गीता में कल मैंने बोला था, पढ़ा आपने क्या चीज, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसके आगे का श्लोक ये है, अच्छेद्यो यमदायोयम अविकार्योम उच्यते, यही है। देखो ये नाशोष, कोई मुझे सुखा नहीं सकता, कोई मुझे छेद नहीं सकता, कोई मुझे गीला नहीं कर सकता, कोई मुझे उड़ा नहीं सकता। देखो जी, नाशोष नाश्लोष न विक्लेद न छेद, मेरा कुछ नहीं कर सकता। मतलब क्या बोले, सत्यई अपि, देखो जी ये सब पंचमा भूत हैं, ध्यान रखना क्या दिया है, पंचमा भूतों के नाम है अनिल मिल गया, अग्नि अंभ मिल गया, इसको क्या पढ़ेंगे, अनिल अग्नि अंभ, इसी को क्या बोला, सत्यई अपि अनिलाग्नभ। पांचों महाभूत ध्यान से समझना मेरा नाश नहीं कर सकते। पांचों महाभूत, मैं ये पूछूं क्यों नहीं कर सकते, आप जरा इस चीज को समझिएगा। ये आखिरी कॉन्सेप्ट, स्थूल का आधार सदैव सूक्ष्म होता है। क्या चीज बोला मैंने, स्थूल का आधार हाँ सूक्ष्म होता है। पृथ्वी का आधार कौन, अब देखो जो वेदांत कहता है कि हमको तो क्या दिखता है कि पृथ्वी में जल है कि जल में पृथ्वी है, कहो जी, पृथ्वी में जल है कि जल में पृथ्वी है, और अभी दिखता क्या है, पकड़ में आ रहा है, पृथ्वी स्थूल है तो जल आया। आप जब साइंस पढ़े ना तो क्या कहती, कितने चौथाई पानी है, तीन चौथाई पानी है तो एक चौथाई, देख एक चौथाई में हम आप रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है सभी पूरी दुनिया में, एक चौथाई, अभी तीन चौथाई बाकी है, जलमग्न हो जाए तो देखो एक चौथाई है दुनिया, ये सिर्फ तीन चौथाई तो बाकी भी पानी पड़ा है। सोचो आप, पृथ्वी का आधार बोलो जी जल, क्योंकि पृथ्वी से सूक्ष्म है जल। क्यों सूक्ष्म है जल, सूक्ष्मता और स्थूलता का आधार समझना जरा आप, दिखाई देने से मत कह देना। कौन सी चीज स्थूल और कौन सी चीज सूक्ष्म, गुड ना, पकड़ में आया ये जरा, ये जो क्या बोला इन लोगों ने दोनों, जो चीज जितनी ज्यादा इंद्रियों से जानी जाए वो उतनी स्थूल, जो चीज जितनी कम इंद्रियों से जानी जाए वो सूक्ष्म, ये बंटवारा कर लो आप। स्थूल जो जितनी ज्यादा इंद्रियों से जाना जाए, पृथ्वी क्या क्या है, शब्द स्पर्श, अब देखना पंचदर्शी में तो उसमें सब आवाज भी बताई, कड़कड़ कड़ तो बोलते पृथ्वी में ऐसी आवाज होती है, जल में बुद 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 तो जल में, वहां तो ये भी बताई इनमें आवाज कैसी है,
शब्द है पृथ्वी में, स्पर्श है या नहीं, रूप है या नहीं, रस है या नहीं, गंध है या नहीं, किस में, जल में क्या है, शब्द है या नहीं, स्पर्श है या नहीं, रूप है या नहीं, रस है या नहीं, लेकिन गंध, पानी में गंध नहीं होती, याद रखना। गंध तो ऊपर से व्यक्ति डालता है, तो कम हो गई कि नहीं हो गई एक गुण। तो जल आधार बन गया किसका, पृथ्वी का, लेकिन जल का भी एक बाप है, वो कौन है बोलो जी। अब देखो अग्नि में कौन से गुण है, शब्द है, स्पर्श, रूप, लेकिन रस और गंध। तो जल की तुलना में अग्नि सूक्ष्म है। अच्छा जी, अग्नि का भी बाप है, अग्नि का बाप कौन, वायु। वायु में क्या है, शब्द, स्पर्श, न रूप है, न रस है, न गंध, इसलिए बोलो जी अग्नि का आधार कौन बना, वो वायु का भी बाप है। वायु में क्या था, शब्द और स्पर्श, तो आकाश में क्या बचा, बोलो जी शब्द हुआ। सबसे सूक्ष्म कौन हुआ, लेकिन माय डियर आकाश से भी सूक्ष्म कोई है, तो आकाश में एक गुण बचा। अब जो इसका अधिष्ठान होगा, इसका मतलब बोलो जी, आकाश में एक गुण बचा है, तो जो इसका भी बाप होगा उसमें कोई गुण नहीं होना चाहिए, वो चैतन्य है, इसलिए वो निर्गुण है। आकाश में कोई गुण नहीं, इसलिए आकाश, सॉरी चैतन्य में कोई गुण नहीं, इसलिए चैतन्य आकाश का भी अधिष्ठान है। पंचमाभूत का तो हो ही गया, सोचो जी सबसे सूक्ष्म कौन हो गया, जिसमें कोई गुण ही नहीं, जो सबका आश्रय है, तो उसको पंचमहाभूत नाश कर सकते हैं, पृथ्वी आके नाश कर सकती, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्योंकि सबका आश्रय कौन है, वो, इनका नाश हो सकता है, उसका नाश नहीं हो सकता। हो गया, ये श्लोक भी कवर हो गया ना, कौन सा, ये पांचवा हो गया ना। अब जो छठा श्लोक है वो कहते हैं अहम अस्मि, तो थोड़ा हो गया, बोले बाद में बात करेंगे, सदा भामी, बोले अब इस पे बात करता हूँ, सदा भामी। आप क्या बोलता है, पहला ही स्टेटमेंट उसने देखो दिया बम्बास्टिक एकदम, बोले क्या बोलता है, अभारूपस्य विश्वस्य, विश्व कैसा है, अभारूप है, अभारूप मतलब आभारूप नहीं है, ध्यान रखना, बहुत शब्द से ध्यान रखना, छोटा और बड़ा में कितना अंतर हो जाएगा, इसीलिए शब्द पड़ा अमावस्या, अमावस्या के दिन प्रकाश है? आ रहा है ना, अभारूपस्य विश्वस्य भानम भासयेत, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जो जगत है ये जड़ है, मैं तो आपको एग्जैक्ट बता दूं कहना क्या चाह रहा है, अभारूपस्य जगत कैसा है, जड़ है, क्यों, इसको अपना भान भी नहीं है, अभारूपस्य, आप कैसे हो, आभारूपस्य, आप आभारूप हो लेकिन जगत अभारूप है, कल देखेंगे।